so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in our car, driving so far. Play the guitar, you show me your heart. Let down our think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, all day when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. हेलो गाइस, सो ये मैं लाइव चैट में क्या देख सकता हूँ ब्रो? आज कौन से ग्रुप का मैच है भाई? ग्रुप आई, सॉन्ग बंद कर दो प्लीज। ओ भाई एरर 404 भाई, सॉरी, आपका फ्रेंड मत हो ब्रो। सो यार ये अपडेट नहीं हुआ, असल में आज एक प्रैक्टिस स्कीम है, ये प्रैक्टिस क्रीम कहते हैं इसको। सो आज ये हमारी होती है, रोज ही होती है ये ब्रो। सो आज कोई PMDL का कोई भी मैच नहीं है ब्रो। सो एट द रेट डेविल ईस्पोर्ट्स प्लीज। खुशी सिंह, क्या कह रहे हो ब्रो? खुशी सिंह
सो ब्रो इट इज़ अ प्रैक्टिस स्कीम, अभी अपडेट हो जाएगा यार, वो किया नहीं है यार अभी उन्होंने, काम चोर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अभी अभी अपडेट कर लेते हैं आपको, कोई बात, आज नहीं कोई है, क्वार्टर फाइनल्स होंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा पहले। ओके सो गाइस प्लीज़ लाइक कर दो यार, 4 की वॉचिंग आ रही है गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब का बटन दो भाई, मुझे जैसे मर्जी सब्सक्राइब चाहिए, इट्स ओके। ओके सो अभी सभी के सभी टीम्स आज मैं आ चुकी हैं, वेकेंडी का मैच है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच, काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम्स के साथ मज़ा आने वाला है। 81 अलाइव, ओ माय गॉड 81 लोग आए हैं भाई, मज़ा आ जाएगा आज का मैच तो। सो यार बताओ यार स्ट्रीम में, बताओ कौन सी स्ट्रीम की सपोर्ट कर रहे हो टीम को, बताओ बताओ जल्दी, मैं पढ़ रहा हूँ। सो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टेबल की टीम है, जे एस आर आ चुकी हुई है, कामिनाज आ चुकी हुई है, फ्यूरी इज हियर, विस भी आ गई है, प्रिम भी आ गई है लगभग। सो जे इज लाइफ, यहाँ पर आई थिंक क्वीन की टीम आई है, टी आर एक्स क्वीन, ओ मे बी आई वॉज नॉट रॉन्ग। सो यहाँ पर अभी सेकेंड लाइन, ओके करण मक्खी भी आए हैं, हाइस। सो रैक एंड डेबल की टीम, ओ भाई न्यू प्लेयर, अच्छा खेले। सो एच जी आर की टीम भी आई है, टी जी एस, नाइस। तो आज का प्लेन का ओवरव्यू ले लेते हैं यार। सो प्लेन यहाँ से क्रिचेस से होता हुआ जाता हुआ वाइनरी तक। सो गाइस हॉटस्पॉट तो पहली बात विला तो बनता ही बनता है, ग्रोका भी बनेगा, ग्रोका बनेगा और डॉर्बो मेस्टो, इट्स इंपॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पर फाइट्स काफ़ी सही देखने को मिलती हैं, बट देखने को मिलेगा यहाँ पर टीम्स का क्या रहता है, अभी कोई आइडिया नहीं है टीम्स कहाँ जाएंगी। सो अभी जब ही उतरती हैं सभी टीम्स की तरफ, यहाँ पर अभी कैमरा एंगल लेयर डाल देंगे। सो गाइस कोई भी टीम को बताना होगा तो गाइस बता देना, मैं शो कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब जॉन से मेरी टीम को कहोगे हम बता देंगे। सो आई थिंक डेविल के साथ आई थिंक और 20 स्क्वाड जा रही है, हॉट स्प्रिंग्स में उतर रही है डेविल, सो नाइस टू सी दिस टीम। सो टीम नंबर 10 की तरफ चले जाते हैं यार, करण मक्खी, डेविल मैक एंड रैकन डेविल, ओके। सो इनका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ड्रॉप रहने वाला है, आई थिंक इस जगह पर कोई भी टीम नहीं आई, इट्स एडवांटेज। सो काफ़ी सही एडवांटेज के साथ आएंगे, सो नाइस। सो अभी हम मूव कर लेते हैं यहाँ पर, अरे बहनचोद ने अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं चेंज हुआ भाई, गलत। अरे 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 टीम नंबर 9 की तरफ चेंज देख चुके होते हैं सभी प्लेयर्स यहाँ पर उतरते हुए, यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक सेफ लैंडिंग की है यहाँ पर टीम नंबर 9 के प्लेयर्स ने, यहाँ पर थोड़ा सा सीमेंट फैक्ट्री से थोड़ा पीछे उतर चुके हुए हैं, बट सीमेंट फैक्ट्री चले जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर कोई भी नहीं उतरा। बट यहाँ पर थोड़ा सा डेविल की तरफ मुझे यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी ग्राउंड की तरफ आ चुके हैं दो बंदे टीम नंबर 11 के। सो यहाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि डेविल इस फाइट को कैसे हैंडल करता है, 4v2 फाइट है, काफ़ी ईजी फाइट एंड ईजी टू हैंडल, सो काफ़ी सही है ये फाइट। सो आई थिंक ईजी हैंडल कर सकते हैं ये गाइस। सो देखते हैं यार कैसे फाइट्स को लेकर जाए, 4v2 भी हो जाता है कभी कभी, सो गाइस कुछ नहीं यहाँ पर पता लग सकता, बट सभी प्लेयर्स के पास तो लूट तो मतलब ओके लूट आ चुकी हुई है जिसको हम कहते हैं। सो अभी हम मूव कर लेते हैं यहाँ पर, साउल टक्कर ने यहाँ पर प्रिन के प्रभु जी को आई थिंक नॉक किया है, सो जल्दी से चले जाते हैं प्रिन की टीम की तरफ। यहाँ पर प्रिन बनी भी नॉक है, प्रिन के अभिषेक जी इज लेफ्ट फ्रॉम हिज टीम, सो यहाँ पर देखने को मिलेगा अपनी टीम को कैसे बचाते हैं, बनी यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर प्रिन की टीम फंसती हुई टीम नंबर 19 के पूरे घेराबंदी के अंदर भाई, सही प्रभु जी को रिवाइव मिलना चाहिए। सो यहाँ पर रिवाइव मिलेगा यहाँ पर, सो ईजी रिवाइव देंगे अभी, सो आई थिंक अभी किट्टू, ओके सो जे एस आर की फाइट भी हो चुकी हुई है यहाँ पर, सो जे एस आर ने किट्टू ने आई थिंक एक नॉक निकाला है, सो किट्टू ने किल भी कर दिया उसको, नाइस वन। सो यहाँ पर अभी नॉक देखने को मिला, प्रिन बनी की यहाँ पर पेटी बना दी गई हुई है, सो प्रिन की टीम की तरफ जल्दी से मूव कर लेते हैं। यहाँ पर प्रभु जी देखते हैं क्या करते हैं, अभिषेक जी इज देयर, यहाँ पर साउल ठक्कर को अभिषेक जी ने काफी सुंदर तरीके के साथ फिनिश किया, सो गाइस काफी सुंदर एक फिनिश देखने को मिल चुका है हमें। सो गाइस टीम नंबर 19 3 मैन स्टैंडिंग विद 2, सो यहाँ पर 2v3 फाइट काफी इंटरेस्टिंग ईजी है, बट आई थिंक इतना भी इजी नहीं है, कस्टम में सभी टीम्स आई थिंक बहुत ही अच्छा खेलती है, सभी प्लेयर्स का पोटेंशियल काफ़ी सही होता है। सो गाइस किसी की टीम के ऊपर हम ऐसे कमेंट नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मैंने बहुत सिनेरियोस में देखा है कभी 1v4 क्लच हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, सो गाइस इसलिए हम दूर हैं। सभी देख लेते हैं यहाँ पर GSR की मुझे यहाँ पर फाइट देखने को मिली, ग्राउंड की तरफ जाके देखते हैं इनकी फाइट किस टीम के साथ है, आई थिंक कामिनास के साथ मे बी माइट भी पॉसिबल, बट अभी देखते हैं यहाँ पर इनके साथ क्या टीम है। सो आई थिंक KMX की टीम इनके बिल्कुल बैक साइड में, आई थिंक टीम्स का पूरा एकदम से स्प्लिट होके बैठी हुई है, टीम नंबर 20 भी है, टीम नंबर 5 को भी मैं देख सकता हूँ। विस्की टीम की तरफ अब हम जल्दी से चले जाते हैं गाइज, तो गाइज यार नाइट्स टीम होती है, प्लीज 10 लाइक्स कंप्लीट करवा दिया करो यार,
बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, प्लीज गाइस। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर विस की तरफ आई थिंक यहाँ पर आरडीई के बंदे भी आ रहे हुए हैं। सो आरडीई के बंदों की तरफ अभी मैं जल्दी से फोकस कर लेता हूँ। ये भी यहाँ पर विस के साथ ही हैं, यहाँ पर स्प्लिट चेन में एकदम से हैं ये सभी प्लेयर्स। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा बी स्ले गुरु। सो यहाँ पर स्ले गुरु का एक बहुत ही सुंदर एक नॉक देखने को मिला है स्ले गुरु की तरफ। जल्दी से हम मूव कर लेते हैं गाइस। सो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर काफी एक अच्छी फाइट देखने को मिल रही है यहाँ पर बीआर टीम के साथ। एक बीआर डार्क नॉक हो चुके हुए हैं यहाँ पर। स्ले की टीम काफी सुंदर यहाँ पर पोर्शन को किल कर दिया पूरा का पूरा। लूसीफर को देखने को मिलेगी क्या करते हैं अपनी टीम की तरफ से। यहाँ पर लूसीफर का मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीआर शेन है यहाँ पर, स्ले गुरु को देखना पड़ेगा क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, पुश करना पड़ेगा। बट स्ले रॉक को रिवाइव मिलना है यहाँ पर गलत। यहाँ पर बीआर शेन यहाँ पर साइड से आते हुए, बट यहाँ पर वन में थोड़ा सा हगा इनसेन को, आई थिंक बड़े बुरी तरह से नॉक किया। लूसीफर का देखने को मिलेगा क्या क्लच कर पाएंगे, बट माइट नॉट बी पॉसिबल। फिनिश कर दिया यहाँ पर टीम स्ले ने, ओपी वाइप बाय द टीम स्ले। सो जल्दी से हम ये फाइट को कंप्लीट हुई है। सो गाइस अभी आरडीई की फाइट हो चुकी है विज के साथ, जो कि मुझे कंफर्म ही थी। सो अभी विज स्पेक्टर आई थिंक डाउन हो चुके हैं, विज एटम है यहाँ पर। सो ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग जाती हुई। तो गाइस ये फाइट की तरफ आरडीई के मैं वुल्फ ओपी इज डाउन। सो भाई आरडीई के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ, शिन चैन भी डाउन हो चुके हुए हैं। सो यहाँ पर टीम नंबर 24 के साथ सैंडविच ना हो जाए, सो सैंडविच सिचुएशन ना बन जाए। अगर पीछे से विस की टीम आती है तो प्रॉब्लम में फंस सकती है यहाँ पर पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आरडी। सो ओके ओके, सो गाइस स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यार, एक बार बता दो, टेल मी यार। एक मिनट, रीकनेक्ट आया था मुझे शायद, इशू लग रहा है। ओके स्ट्रीम ओके। सो टीम नंबर 24 के प्लेयर्स यहाँ पर थोड़ा सा पुशिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर काफी सुंदर डीएनए का एक पुश आया है यहाँ पर। सैमी यहाँ पर कौन यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, बट काफी सही है आगे बढ़े, बट बैकअप मिलना एक जरूरी है पीछे से। फिर अगर थर्ड पार्टी कर दे तो भाई क्या ही थर्ड पार्टी होगी ये। सो गाइस यहाँ पर अभी डीएनए थोड़ा सा ओपन में आए, पर यहाँ पर उजी से बहुत ही सुंदर तरीके के साथ एक नॉक निकाला भाई, क्या ही गलत नॉक। यहाँ पर वुल्फ को भी आई थिंक नॉक किया, बट इसको पूरा का पूरा किल कर गया। आरडी अभी इज गोइंग टू रश, उनको पता है यहाँ पर एचपी थोड़ी सी डाउन है। शिनचैन आ चुके हैं बैकअप देने के लिए, बट यहाँ पर उजी का स्प्रे, यहाँ पर देखते हैं किसकी स्प्रे लगेगी। यहाँ पर पीछे से यहाँ पर उनके एक और प्लेयर ने बैकअप दिया और बहुत ही सुंदर बैकअप, बट डीएनए ने काफी सुंदर यहाँ पर पुश के साथ टीम वाइप कर दी है एक पूरी की पूरी आरडी की, जो कि मुझे काफी वाइब देखने को मिली है। टीम डीएनए ने बहुत ही सुंदर ये फाइट निकाली। सो गाइस ये फाइट क्वाइट इंटरेस्टिंग फाइट थी। सो अभी हम मूव कर लेते हैं विस के बंदों की तरफ। विस के बंदे कहां पर हैं? सो विस की फाइट आई थिंक मुझे यहां पर टीम नंबर 24 के साथ देखने को मिल सकती है गाइस, बट यहां पर इनको 4v2 यहाँ पर करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आई थिंक ओपन में जाना एक बहुत ही बड़ा गलत कदम हो सकता है, एटम की मिस्टेक। यहाँ पर थोड़ा सा फायर देके अपनी पोजीशन को कर दिया है रिवील। डीएनए के बंदे काफी यहाँ पर हो चुके होंगे अलर्ट, जो कि मैं सोच पा रहा हूँ यहाँ पर उनको पता लग गया होगा और भी टीम्स हैं। सो आई थिंक अभी यहाँ पर विज एटम की एक बहुत ही बड़ी गलती है कि अपनी लोकेशन को थोड़ा सा एक्सपोज करना एक गलत है। सो यहाँ पर एल क्लास भी है, यहाँ पर देखते हैं भाई क्या करते हैं। सो यहाँ पर V4 भी है, यहाँ पर V4 के दो बंदे। सो देखते हैं भाई क्या कर पाते हैं विज माइंड विज एटम विज आई एल क्लास। सो यहाँ पर फाइट तो अभी इनको नहीं लेनी चाहिए, बैक ऑफ करने का डिसीजन काफी सही। सो मुझे लगता ही था कि बैक ऑफ होने वाला है। सो फोर्थ नंबर पे यहाँ पर हमें फ्यूरी की रोटेशन देखने को मिल रही है, काफी सुंदर ये रोटेशन निकालते हैं सभी के सभी प्लेयर्स। सो लेट्स मूव टू अनदर टीम। सो यहाँ पर अभी क्लाउन की टीम की तरफ ये भी रोटेशन शुरू करती हुई अपनी। सो भाई इनकी रोटेशन आई थिंक आती हुई टीम नंबर 24 के साथ नक्शे कदम में। यहाँ पर टीम नंबर 24 है, बट यहाँ पर अभी शॉट्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर अभी जेएसआर को, तो आई थिंक थोड़ा सा हो जाएगा। सो अभी आई थिंक टीम नंबर 24 कोई भी फाइट नहीं लेना चाहेगी इस सिनेरियो में। सो जेएसआर ओके, सो जेएसआर ने यहाँ पर बैक ऑफ किया, आई थिंक जेएसआर इज अलर्ट। सो यहाँ पर जेएसआर का एक पुश आ गया, तो भाई गलत पुश हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर जीएसआर का पुश करने का डिसीजन, आई डोंट नो क्या डिसीजन करने की ट्राई में है। सो अगर यहाँ पर टीम नंबर 24 के प्लेयर्स भी थोड़े से अलर्ट बैठे हुए हैं कि यहाँ पर क्या करना है उन्होंने। सो यहाँ पर अभी रोटेशंस निकालते हुए जीएसआर की टीम तो इजी चले गई है। सो यहाँ पर अभी विज की टीम, विज का यहाँ पर एल क्लास ना स्पॉट हो जाए, यहाँ पर जीएसआर के बंदे आ जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। सो यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं यहाँ पर जीएसआर के बंदे। सो भाई प्रो गेमर हेलो ब्रो कैसे हो? अरे ब्रो यार प्लीज मैसेज मत करो। सो यहाँ पर जीएसआर के बंदे भी यहाँ पर हैं। सो नाइस वन। सो यार ये क्या ही होता हुआ। सो आई थिंक अभी मुझे फाइट नहीं देखने को मिली यहाँ पर। अभी टीम नंबर 10 की एक इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है जैसे कि मैं देख रहा हूँ। सो टीम नंबर 10 कहाँ पर है? आई थिंक इनकी फाइट मुझे लगती है हो सकती है यहाँ पर टीम नंबर
18 के साथ, स्ले के साथ काफी सुंदर एक फाइट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। देखते हैं क्या ही फाइट होती है। मैक है यहाँ पर, कर्म मक्खी है, रैकन डेवल है यहाँ पर, एक नेड तो किया है बट यहाँ पर पोजिशन आई थिंक स्ले के पास काफी सही है। तो देखने को मिलेगा इनका क्या ही लाइस एनर्जी लेती है। बट सभी प्लेयर स्प्लिट होकर बैठे हुए हैं, बट आई थिंक सो कि अभी अगर जोन में जलेगी स्ले की टीम, सो जोन में जाना एक सही डिसीजन है इस सिनेरियो में, कि भाई जोन में ही निकलना चाहिए। सो जोन एक प्रायोरिटी था और स्ले इजी अपना जोन में चले गए। अब टीम नंबर 10 जोन का पूरा डैमेज लेकर आएगी, जो कि इनके लिए क्वाइट इंटरेस्टिंग गलत हो सकता है। अभी मुझे फ्यूरी की फाइट टीम नंबर 25 के साथ देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पर अभी फ्यूरी शेडी को यहाँ पर क्लब डाउन किया गया है टीम नंबर टीसी बुलेट के द्वारा। सो यहाँ पर अभी देखते हैं यहाँ पर कि फ्यूरी शेडो को रिवाइव मिलता है कि नहीं। सो यहाँ पर शेडो टीसी बुलेट के साथ, इनकी टीसी के साथ फाइट हो चुकी है। यहाँ पर टीसी लॉर्ड को यहाँ पर काफी सुंदर स्प्रे, बट यहाँ पर डेड शॉट भी नॉक हो चुके हैं। आई थिंक अब पुश बनता है। सो अब तो पुश बनता है यार। सो गाइस अभी पुश आ गया तो आई थिंक फंस जाएगी फ्यूरी की फ्यूरी पूरी टीम। सो यहाँ पर अभी दो दो प्लेयर्स करके बटे हुए हैं, आई थिंक ये भी काफी सही है। बट टीसी के प्लेयर्स आते हुए जल्दी से जंप, ओके। सो यहाँ पर गाड़ी से आते हुए टीसी बुलेट काफी सुंदर यहाँ पर पोजीशन होल्ड गई यहाँ पर टीसी बुलेट की। सो यहाँ पर अगर बुलेट को नॉक किया तो यहाँ पर थोड़ा सा टीम के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। सो डेड शॉट अभी इजी रिवाइव हो चुके हैं, टीसी क्रिंगल यहाँ पर है। सो देखते हैं टीसी की टीम कैसे बढ़ती है। बट एक नेड और फेस्टर को नॉक कर सकती थी, बट आई थिंक फेस्टर किसी तरीके से बचे। और ये स्मोक की एक बहुत ही सही वॉल बनाई हुई है, जो कि मुझे काफी सुंदर एक वॉल देखने को मिली है। सो गाइस 5 लाइक्स हो चुके हैं, 10 लाइक्स कंप्लीट कराओ यार इस स्ट्रीम के, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी कराओ। सो यहां पर अभी देखने को मिलेगा फ्यूरी फेस्टर गोकू की तरफ मैं देख सकता हूं। सो यहां पर टीसी बुलेट का क्या ही यहां पर स्प्रे आता हुआ। सो यहां पर अभी देखते हैं यहां पर टीसी लॉर्ड की तरफ, टीसी क्रिंगल यहां पर अभी स्लैम मारते हुए काफी सुंदर एक यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर शैडो आई थिंक थोड़ा सा अगर स्पॉट हुए तो यहां पर फंसेंगे शैडो। सो शैडो को आई थिंक डाउन 1 HP पे किया गया है यहां पर, काफी सुंदर इनकी HP गिराई गई है। यहां पर एक मोलोटॉफ भी किया, बट पीयूष को काफी सुंदर यहां पर नॉक निकाला। फेस्टर ने यहां पर काफी सुंदर यहां पर फेस्टर को भी नॉक किया गया है। यहां पर गोकू का देखने को मिलेगा क्या करते हैं। बुलेट ने यहां पर गोकू को भी उड़ा दिया हुआ है। फ्यूरी की टीम अब प्रॉब्लम में फंस चुकी है। शैडो का देखते हैं क्या डिसीजन रहता है इसमें सिनेरियो में। 1v4 क्लच करना थोड़ा सा मुश्किल, 1v3 काफी मुश्किल, बट नामुमकिन नहीं है। क्रिंगल आ गए हैं इनके सामने 1v1 स्प्रे में, थोड़ा सा हगा और पूरी की पूरी टीम वाइप। सो यहाँ पर फ्यूरी की टीम भी मुझे यहाँ पर वाइप एक काफी सुंदर देखने को मिला है। सो यहाँ पर अभी एक फाइट मुझे यहाँ पर गलत बसड़ देखने को मिल सकती है यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या ही टीम्स आती हैं। सो डेविल आई थिंक अभी जोन से आई थिंक हो रही है, थोड़ा सा डैमेज ले रही है। सो गाइज 8 की वॉचिंग आ रही है, प्लीज़ गाइज लाइक द स्ट्रीम। सो यार अभी देखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अभी टीम नंबर 11 भी है डेविल का, मुझे देखने को मिलेगा कैसे फाइट लेंगे ये लोग। सो यहाँ पर अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है। अभी मुझे GSR की एक फाइट देखने को मिल सकती है टीम नंबर 24 के साथ। सो अभी GSR की फाइट की तरफ जल्दी से बोल रहे हैं। GSR गॉड ने यहाँ पर V4 प्रोदो को यहाँ पर नेड से नॉक कराया भाई, वी माइंड को भी काफ़ी सुंदर नॉक करा है यार GSR गॉड, OP इन द चैट गाइस। सो यहाँ पर अभी किट्टू का यहाँ पर काफ़ी सुंदर यहाँ पर स्नेक का एक यहाँ पर स्मोक डाली जा रही है। सो काफ़ी सही यहाँ पर। सो देखते हैं यहाँ पर GSR गॉड क्या करते हैं। यहाँ पर एक मोलोटॉफ किया जो कि बहुत बुरा गंदा डैमेज दिया। सो यहाँ पर अभी दोनों के दोनों को DNA को भी यहाँ पर डाउन कर दिया गया है। सो यहाँ पर अभी एक पुश आएगा यहाँ पर, उनको गाड़ी के नीचे दे दिया यहाँ पर GSR कुणाल ने भाई गलत। सो यहाँ पर क्लाउन ने यहाँ पर आई थिंक लास्ट किल निकाली। सो आई थिंक क्लाउन नहीं की है। सो यहाँ पर GSR की टीम ने बहुत ही सुंदर एक वाइप देखने को मिला है विद द टीम GSR। सो यहाँ पर अभी हम बाकी फाइट्स की तरफ चले जाते हैं। अभी इनके साइड में कोई भी टीम नहीं है। सो अभी मुझे जोन के बाहर वाली ये बसड़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकती है। बट टीम नंबर 10 भी यहाँ पर जोन में इजी चले जा चुकी है। बट डेविल का देखने को मिलेगा यार ये लग गाइस कैसे जाते हैं, चल कर जा रहे हैं, मुश्किल है यहाँ पर जोन में जाना क्योंकि साइड में भी टीम है। यहाँ पर टीम नंबर 3 का आई थिंक मुझे यहाँ पर रोटेशन देखने को मिली है, डेविल्स के बिल्कुल साइड से यहाँ पर रोटेशन निकाली है। सो आई थिंक ये रोटेशन आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर डेविल्स को। सो आई थिंक जोन के बाहर यहाँ पर TGS स्पायरो यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं। सो यहाँ पर इनको आई थिंक रिवाइव मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर अभी टीम नंबर 3 के प्लेयर्स बहुत ही सुंदर तरीके के साथ जोन में जा चुके हैं। सो अभी टीम नंबर 8 यहाँ पर अभी फाइट देखने को मिली है यहाँ पर टीम नंबर 10 की विद काफी सुंदर यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा टपाटप्स चल रही है। सो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या ही फाइट चलती हुई गाइस। सो यहाँ पर विद टीम नंबर KMX के साथ टीम नंबर 3। सो यहाँ पर देखने को मिलेगी काफी सुंदर फाइट। सो यहाँ पर स्ले स्किपर भी हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर KMX ने काफी सुंदर एक एंगल होल्ड किया है। यहाँ पर मैक का देखते हैं यहाँ पर क्या स्प्रे करने की ट्राई कर रहे हैं। कर्ण मक्खी है यहाँ पर काफी सुंदर। सो यहाँ पर रैकन डेविल भी यहाँ पर काफी सुंदर एक पोजीशन होल्ड करके बैठ चुके हैं, बट यहाँ पर इनके पास हाई रेज एडवांटेज है जो कि काफी सही है इस मूवमेंट के ऊपर। सो यहाँ पर अभी देखते हैं सर डेविल का आई थिंक यहाँ पर एक थर्ड पार्टी कर दें तो काफी गलत थर्ड पार्टी हो सकता है इस सिनेरियो में।
यहाँ पर शॉर्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं यहाँ पर थोड़े से डालते हुए, बट आई थिंक उनको अभी इतना हिट नहीं हो रहा। बट करण मक्खी यहाँ पर डाउन कर दिए गए हैं। ओपन में आना एक गलत डिसीजन था। मैक की यहाँ पर स्मोक बॉल आई थिंक बचा देंगे, बट यहाँ पर स्प्रेज आती हुई रैक एंड डेविल को भी। सो रैक एंड डेविल के तो मुझे देखने को मिलेगा एक स्प्रे। सो यहाँ पर अभी देखते हैं यहाँ पर क्या ही चलता है गाइस। सो यहाँ पर KMX की टीम यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर हिल होल्ड करके बैठ चुकी हुई है, जो कि काफी सही है। यहाँ पर प्रेशर बिल्ड कर किया जा रहा है पूरा का पूरा टीम नंबर 10 के ऊपर। करण मक्खी अभी रिवाइव हुए हैं। आई थिंक यहाँ पर आई थिंक रैक एंड डेविल को शॉर्ट्स आते हुए अगर एक्सपोज होंगे तो आई थिंक अपनी गलती कर देंगे बहुत बड़ी। तो यहाँ पर अभी ये फाइट मुझे काफी इंटरेस्टिंग जाती हुई। सो इस सिचुएशन में सो गाइस जॉन सी भी टीम दिखानी होगी गाइस, प्लीज मैं कर देना। सो अभी देखते हैं यहाँ पर ओ माय गॉड के साथ आई थिंक दीप की यहाँ पर फाइट ना हो जाए डेविल की। सो काफी इंटरेस्टिंग ये भी फाइट हो सकती है। सो अभी इनकी फाइट तो भाई चले ही जा रही है। यहाँ पर अभी देखते हैं यहाँ पर बाकी टीम्स का क्या रहता है। यहाँ पर अभी किसी भी टीम की कोई फाइट नहीं हो रही, बट ये फाइट मुझे लगता है काफ़ी दूर तक चलेगी। सो अभी यहाँ पर थोड़ा सा जोन में आना है यहाँ पर KMX के बंदों को। सो आई थिंक एक आध नॉक निकाल के आएंगे तो काफ़ी सुंदर अच्छा हो सकता है, क्योंकि टीम नंबर 10 के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है और काफ़ी सुंदर इनको वाइप भी किया जा सकता है, ईजी वाइप हो सकता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर क्लाउन ओपी को यहाँ पर टीसी बुलेट ने यहाँ पर नॉक किया। जल्दी से हम जाके देखते हैं क्लाउन ओपी यहाँ पर रिवाइव होंगे। सो यहाँ पर GSR गॉड इनको रिवाइव कर रहे हैं। सो यहाँ पर काफी सुंदर रिवाइव किया है यहाँ पर टीम नंबर जनरल है इनके ऊपर। सो भाई गलत। सो यहाँ पर टीसी की टीम कहाँ पर है? एक मिनट गाइस, ये ग्लिच क्यों आ रहा है यार। सो यहाँ पर टीसी की टीम इनके बिल्कुल सामने की तरफ जैसे कि मैं देख सकता हूँ अभी, बट इनके पास काफ़ी सुंदर एक कंपाउंड है। सो ये जगह मुझे काफ़ी सही लगती है, क्योंकि इनके पास हर बंदे के पास काफ़ी सही पोजीशन है, तो ये एक इस टाइम थोड़ा सा एडवांटेज में लेते हैं। बट KMX की टीम का मुझे देखना पड़ेगा, रश मारना पड़ेगा इनको। देखते हैं यहाँ पर इनको क्या करते हैं। आई थिंक इनको फाइट नहीं लेंगे इस सिनेरियो में। सो आई थिंक ये थोड़ा जाना प्रेफर करेंगे जोन के अंदर। सो देखते हैं, आई थिंक अगर पुश भी आ सकता है यहाँ पर, टीम नंबर 10 भी यहाँ पर जाने की ट्राई में फुल एंड फुल। सो यहाँ पर अभी हील डाउन किया जा चुका हुआ है। सो एवरी प्लेयर इज ट्राइंग टू गो इन द जोन। सो यार जोन ही मेन चीज़ है यहाँ पर। KMX के बंदे यहाँ पर जोन में चले गए, बट दो बंदे यहाँ पर अभी गाड़ी में बैठ के आएंगे। सो यहाँ पर ये बंदा काफ़ी सही तरीके के साथ यहाँ पर रोटेशन काट रहे हैं। सो भाई ये रोटेशन की एक स्ट्रेटजी काफ़ी सही लगती हुई मुझे। अभी रैक एंड डेविल के ऊपर आई थिंक बंदे ना पड़ जाएं। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर फाइट होती है तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, बट यहाँ पर अभी प्रॉब्लम से दूर यहाँ पर आई थिंक ओके। सो स्लैम कर दिया गया है, काफ़ी गलत स्लैम। सो यहाँ पर अभी थोड़ा सा आई थिंक दूसरी पोजीशन पर साइड जाते हुए पता नहीं क्या ये स्ट्रेटजी करते हुए, बट काफ़ी सुंदर यहाँ पर आए हैं। सो देखने को मिलेगी इनकी भी मुझे काफ़ी सुंदर फाइट विद टीम स्ले। सो यहाँ पर स्ले के साथ काफ़ी सुंदर एक फाइट देखने को मिल जाएगी। कंपाउंड होल किया हुआ है, बट यहाँ पर KMX की टीम अगर आज आना चाहे तो थर्ड पार्टी इजी थर्ड पार्टी हो सकती है। सो यहाँ पर अभी KMX की टीम जैसे कि मैं कह रहा था आ रही है पीछे की तरफ, वेट कर रही है। सो यहाँ पर अभी KMX विशाल मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पर साइड से गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। सो ओके, सो इनके बिल्कुल ओपोजिट कंपाउंड होल कर लिया हुआ है। यहाँ पर करण मक्खी को गलत डाउन किया है स्ले गुरु ने। सो यहाँ पर करण मक्खी का यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर चार्ट ब्रो ग्रुप 15। अच्छा टीम में दिखानी है 15। एक मिनट ब्रो, एक मिनट, जस्ट वेट। यहाँ पर मैक की थोड़ी बहुत स्प्रे आती हुई, बट पीछे से यहाँ पर थर्ड पार्टी होगी यहाँ पर KMX की भी। सो यहाँ पर TG ट्रस्पायरो ने यहाँ पर काफी सुंदर नॉक किया। रैक एंड डेविल का मुझे देखने को मिलेगा क्या ही कर पाते हैं। स्ले गुरु का यहाँ पर पुश आ चुका हुआ है। यहाँ पर करण मक्खी को यहाँ पर रिवाइव दे दिया गया हुआ है, बट यहाँ पर काफी सुंदर यहाँ पर नॉक निकालते हुए, बट यहाँ पर एक आयरन साइड पे, बट यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। सो बुरा लगा इनके लिए गाइस। सो अभी देखने को मिलेगी यहाँ पर एक और फाइट इनकी भी कामिनास के साथ। सो कामिनास यहाँ पर देगी, कामिनास की यहाँ पर देखते हैं यार। एक मिनट छुट्टिया, ये क्या हो रहा है। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगी एक और फाइट टीम नंबर 8 के साथ। सो टीम नंबर 18 विद टीम नंबर 3। सो यहाँ पर स्मोक्स करके लूटने का स्ट्रेटजी काफ़ी सही। सो मुझे काफ़ी सही स्ट्रेटजी लगती है पर्सनली। सो अभी ब्रो फिर टीम नंबर 15। ब्रो नंबर शो ही नहीं हो रहे बहन चो, गलत। सो यही है ब्रो टीम नंबर 15। सो चेक कर दो यस और नो। निशांत शर्मा, तो FR हनी, FMR हनी यहाँ पर हैं, एडी हैं यहाँ पर, प्रथम है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर इनके पास भी पोजीशन है। टीम नंबर 15 ब्रो, ये रही आपकी टीम नंबर 15। सो यहाँ पर ये टीम अभी अपना हैंगल होल्ड है, बट KMX की यहाँ पर फाइट हो चुकी हुई है गाइस। सो यार जल्दी से KMX फॉक्स ने यहाँ पर एक काफ़ी सुंदर यहाँ पर नॉक निकाला, बट विशाल को यहाँ पर डाउन कर दिया गया है। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगी काफ़ी सही यहाँ पर फाइट विद स्ले। सो ओके ब्रो, थैंक यू सो ओके ब्रो। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर टीम नंबर 3 की फाइट। सो KMX की फाइट यहाँ पर स्ले के साथ चलती हुई, लॉन्ग रेंज फाइट है, बट थोड़ा सा एडवांटेज मुझे लगता है
टीम नंबर KMX के पास है क्योंकि जोन होल्ड किया हुआ है। सो यहाँ पर क्लाउन ओपी को एक और नॉक देखने को मिला है, यहाँ पर क्लाउन को एक बार और नॉक कर दिया हुआ है। यहाँ पर किटो की 3 किल्स है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कुनाल क्या करते हैं, पर कुनाल को भी डाउन कर दिया गया। JSR गॉड है यहाँ पर, सो देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाते हैं। यहाँ पर TC बुलेट का काफी सुंदर यहाँ पर स्प्रे डालते हुए, काफी सुंदर इनको भरते हुए, बट यहाँ पर TC बुलेट की 1 HP है। आई थिंक पुश करना एक काफी सही डिसीजन है, बट यहाँ पर देखने को मिलेगा TC बुलेट के ऊपर अगर पुश हो जाता है तो पूरी की पूरी टीम वाइप भी हो सकती है। बट यहाँ पर अभी थोड़े से प्रॉब्लम है, दो ही बंदे हैं टीम में बचे हुए, JSR गॉड एंड JSR यहाँ पर JSR कुनाल भी यहाँ पर डाउन है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, TC बुलेट है यहाँ पर, सो यहाँ पर TC बुलेट का मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या ही कर पाते हैं। यहाँ पर आई थिंक JSR गॉड अगर नॉक निकाल दे तो काफी OP वाला ये नॉक हो सकता है और TC की टीम को पूरा का पूरा फिनिश किया जा सकता है। बट यहाँ पर रिवाइव देने की स्ट्रेटेजी मुझे काफी सुंदर देखने को मिली, बट यहाँ पर JSR गॉड का मैंने जैसे कि कहा था काफी सुंदर यहाँ पर स्प्रे के साथ फिनिश कर दिया टीम नंबर TC को, बाय बाय। सो अभी हम मूव कर लेते हैं हमारी बाकी साइड की तरफ। सो स्ले का अभी मुझे यहाँ पर फाइट का यहाँ पर अंदाज काफी सुंदर देखने को मिला, पर डेविल का मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कंपाउंड होल किया JSR के बिल्कुल सामने की तरफ। सो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर फाइट देखने को मिली है टीम नंबर 11 के साथ। सो यहाँ पर टीम नंबर 11 विद टीम नंबर 19 जो ही बंदे लेफ्ट हैं। सो आई थिंक जोन के बाहर ये फाइट जाती हुई थोड़ी बहुत। सो अभी देखते हैं यहाँ पर ये फाइट कैसे निकालेंगे यहाँ पर टीम नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक मोलोटॉफ यहाँ पर थोड़ा सा नेड करने की ट्राई थी, बट यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। सो देखते हैं टीम नंबर 11 के प्लेयर्स क्या करते हैं, जोन में जा रहे हैं भाई। जोन काटना आजकल सभी गलत हो चुका हुआ है गाइस, स्कैम है ब्रो। सो यहाँ पर FMR की टीम नंबर 15 ब्रो बिल्कुल अपसाइड की तरफ है। आई थिंक दे गाइस अगर स्पॉट कर लें टीम नंबर 11 के दोनों प्लेयर्स को तो ऊपर से ही इनको फिनिश किया जा सकता है। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा टीम नंबर 19 के प्लेयर्स का क्या रहता है। सो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा इनके आगे की तरफ चले जाते अगर इस जगह के ऊपर तो आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर हो सकती थी थोड़ी बहुत, बट देखते हैं गाइस क्या चलता है इस टाइम पे। सो यहाँ पर ये फाइट तो मुझे लगता है लंबा जाने वाली है। सो अभी आई थिंक दिस फाइट ओके। सो यहाँ पर थोड़े से जोन का डैमेज आना शुरू हो चुका हुआ है, फायदे में रही है टीम नंबर 19। सो देखते हैं टीम नंबर 19 कैसे बसाती है टीम नंबर 11 को। सो आशीष बाबा एंड IG बिग विग OP, सो देखते हैं भाई इनका क्या करता है। स्मोक्स की गई है यहाँ पर, सो देखते हैं यहाँ पर क्या करने की ट्राई है, बट यहाँ पर जोन की डैमेज खाना भी एक सही बात नहीं है। हमारी ऐसी तैसी कर दी टीम TC ने, ओ भाई गलत फेस्टर ओ भाई गलत स्कैम हो गया। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा टीम नंबर 19 के श्री शांत यहाँ पर हैं। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा IG पिंग विग बिग विग OP यहाँ पर क्या करने की ट्राई में, आई डोंट नो। यहाँ पर जोन का डैमेज काफ़ी सुंदर खाते हुए, बट यहाँ पर देखते हैं जोन में कैसे पहुँचना है। बट श्रीकंठ यहाँ पर अभी अपना होल्ड बना के बैठ चुके हैं, जोन में नहीं आने देना इनको, बट आई थिंक जोन में आना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फंस जाएगी यहाँ पर टीम नंबर 19 के प्लेयर्स यहाँ पर थोड़ा सा फंसते हैं। यहाँ पर पुश आ चुका हुआ है KMX का, आई थिंक अननोन पुश यहाँ पर आ चुके हैं सभी प्लेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पर काफ़ी गलत यहाँ पर पुश देखने को मिला है। सो यहाँ पर देखते हैं 1v1 फाइट कैसे लेते हैं यहाँ पर, बट KMX के दोनों बंदे को यहाँ पर डाउन कर दिया गया है। फॉक्स को यहाँ पर डाउन कर दिया हुआ है, कामिनाज को यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर डाउन फिनिश कर दिया हुआ है। सो यहाँ पर KMX की टीम गलत पुश मार बैठी और यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस गई। और FMR का यहाँ पर काफ़ी सुंदर यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर किल्स फीड देखने को मिली, किंग डेड शॉट को यहाँ पर खत्म किया। सो यहाँ पर अभी FMR की टीम की तरफ चले जाते हैं, 1 मिनट गाइस जल्दी से। किट्टू ने यहाँ पर डेविल किलर को यहाँ पर फिनिश कर दिया है। सो यहाँ पर किट यहाँ पर गलत फाइट यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर डेविल्स की स्क्वाड को यहाँ पर पूरा का पूरा फिनिश कर दिया यहाँ पर JSR ने। सो गाइस ये फाइट मिस होगी यार, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच OP खेले टीम TC ओ भाई। सो यहाँ पर अभी टीम डेविल को यहाँ पर पूरा का पूरा वाइप कर दिया गया है यहाँ पर क्लाउन OP यहाँ पर किट्टू और इनकी टीम ने। यहाँ पर काफ़ी गलत यहाँ पर इनका सीन जाता हुआ, 10 किल्स कर चुके हैं ये गाइस। सो भाई काफ़ी सुंदर जाते हुए इस मूवमेंट पे। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर थोड़े से पुश आने की टाइम है टीम नंबर 5 के प्लेयर्स कैसे आते हैं, उनको पता है यहाँ पर शायद से JSR की हिंट्स पता लग गई होंगी। सो FMR की तरफ जल्दी से चले जाते हैं, इन्होंने भी 4 किल्स निकाली हुई है, काफ़ी सुंदर खेल रहे हैं ये दोनों के दोनों लौंडे। सो देखते हैं यार 3 बंदे यहाँ पर हैं। सो यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 11 के प्लेयर्स के साथ क्या ही कर पाते हैं। सो गाइस यार ये क्या प्रॉब्लम आती है यार पबजी में, FMR हनी का आई थिंक थोड़ा सा स्पॉट किया यहाँ पर बिग विग OP को, आई थिंक काफ़ी सुंदर यहाँ पर डाउन आशीष बाबा के ऊपर एक नेड हो जाए तो आई थिंक इनको फिनिश भी कर दिया गया है उनके टीममेट को। आई थिंक यहाँ पर FMR की टीम क्या करती है, नेड कर दिया जाए आशीष बाबा के ऊपर, आई थिंक दैट्स अ बिग, उनको फिनिश कर दिया जाएगा। आई थिंक स्ले के साथ फाइट हो गई हुई है रकोनो की टीम की। सो गाइस जल्दी से इनकी भी फाइट हमें दिखाते हैं। सो यहाँ पर गलत फाइट हो रही है इनकी भी। सो जैक यहाँ पर 3 किल्स हैं यहाँ पर, इन्होंने आई थिंक
क्लच किया है यहाँ पर एक पूरी की पूरी टीम को। सो भाई ये काफ़ी सुंदर एक फाइट मिस होने को हमें देखने को मिल चुकी है यार, गलत फाइट मिस हो गई। सो अभी एफ एम आर यहाँ पर देखते हैं क्या कर पाती है। आशीष बाबा को आई थिंक यहाँ पर डालने की कोशिश होगी पूरी की पूरी, बट यहाँ पर नेड कर सकते हैं इजी। तो गाइज यार वाई दे आर नॉट डूइंग नेड, सो गाइज नेड तो कर दो यार। सो यहाँ पर इट्स आर सी एम, यहाँ पर एक काफ़ी सुंदर एक फाइट देखने को मिली। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगी यहाँ पर क्या ही फाइट चलती हुई। सो गाइज अभी देखते हैं यार कौन सी टीम की, यहाँ पर विस की टीम भी अभी जोन के बाहर है। सो रकोनो यहाँ पर जे इज़ लाइफ यहाँ पर जोन के अंदर आ चुके हुए हैं। सो गाइज यार नाइन की वॉचिंग आ रही है गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गेमर टीम नंबर 19 के प्लेयर का यहाँ पर क्या ही स्ट्रेटजी रहने वाली है टीम नंबर 14 के विरुद्ध, जो बिल्कुल उनके सामने है। सो आई थिंक अभी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं यहाँ पर टीम नंबर 19 के प्लेयर्स भी। सो आई थिंक यहाँ पर एफ एम आर का आई थिंक यहाँ पर काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर रोटेशन डालने की स्ट्रेटजी, बट आशीष बाबा जैसे तैसे करके बच गए हैं। तो गाइस ये गलत बचे हुए हैं। सो भाई ये क्या ही बचे हैं अपनी टीम की तरफ से, बट यहाँ पर एफ एम आर की टीम यहाँ पर जोन के अंदर जाती हुई यहाँ पर टीम नंबर 23 जो कि पूरा का पूरा एक होल्ड बना के बैठी हुई है। बट यहाँ पर आई थिंक इनको भी क्वाइट अलर्ट हो चुके होंगे यहाँ पर पोजीशंस के साथ। सो यहाँ पर देखते हैं यार आ गया हुआ एक पुश, जैसे कि मैं कह रहा था एफ एम आर का विद टीम नंबर 23। सो यहाँ पर एक पुश देखने को मिलेगा हमें। सो यहाँ पर अभी देखते हैं गोहन क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पर आई थिंक अभी प्रोन डाउन नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक अभी अंदर आएंगे सभी के सभी प्लेयर्स। सो यहाँ पर गोहन का काफ़ी सुंदर यहाँ पर एंगल बना के बैठे हुए हैं। सो आई थिंक एफ एम आर को पता लग चुका हुआ है यहाँ पर कि बंदे हैं। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा एफ एम आर के प्लेयर्स बहुत ही सुंदर तरीके से साथ आते हुए अंदर, बट यहाँ पर इनको नहीं पता एक बंदा यहाँ पर प्रोन डाउन है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर यहाँ पर इनको मारने की, बट यहाँ पर कैंपिंग हुई असफल। यहाँ पर आई थिंक गोहन को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया गया है, बट यहाँ पर हनी को आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर नॉक देखने को मिला है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर यहाँ पर खेलते हुए टीम नंबर 923 के प्लेयर्स, यहाँ पर यार काफ़ी गलत कैंपिंग चल रही थी गाइज। सो यहाँ पर एफ एम आर प्रथम यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर मोलोटॉफ्स की जा रही हैं। सो काफ़ी सुंदर एक मोलोटॉफ्स का यहाँ पर काफ़ी सुंदर एक सिनेरियो चलता हुआ। सो यहाँ पर अभी देख लेते हैं बाकी टीम के, एफ एम आर के एडी यहाँ पर नॉक हो चुके हुए हैं मोलोटॉफ्स से। सो भाई अब पुश आएगा ए के एम का। सो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या पुश आता है इनके ऊपर। सो यार ये पुश मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पुश देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पुश आ चुका है सभी के सभी प्लेयर्स का, क्यों यहाँ पर दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया है एफ एम आर के। सो यहाँ पर पूरी की पूरी टीम यहाँ पर वाइप कर दिया एफ एम आर ने, यहाँ पर ओ पी गेम प्ले बाय द एफ एम आर। सो यहाँ पर अभी सभी प्लेयर का एक ही मसीहा बन जाएगा। सो गाइस वो उनको सभी को रिवाइव कराएगा। अभी जे एस आर की फाइट देखते हैं हम गाइस। सो ये फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जे इज़ लाइफ रह चुके हुए हैं, इट्स आर सी एम को भी फिनिश कर दिया गया। सो आई थिंक यहाँ पर अब विज का भी बचना नामुमकिन है। सो आई थिंक देखते हैं किसको किल देंगे। सो आई थिंक इनको भी फिनिश डाल चुके हुए हैं। सो गाइस गलत। सो यहाँ पर अभी मुझे लगता है काफ़ी सुंदर टीम्स बच चुकी हुई हैं। सो जोन का एक बार और कहर चालू हो चुका हुआ है। सो यहाँ पर अभी टीम नंबर 11 के आशीष बाबा यहाँ पर जनरल ओबीसी को काफ़ी सुंदर एक नॉक देखने को मिला है, बट आई थिंक अब उनके ऊपर जो रश होगा ना गाइस वो गलत होगा। सो आशीष बाबा का मुझे बचना काफ़ी क्वाइट टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रख रहा है, क्योंकि तीन प्लेयर्स इनके ऊपर आने वाले हैं गाइस। सो यहाँ पर स्प्रेस तो आती है, टैंग 11 लाइक्स गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा आशीष बाबा यहाँ पर क्या ही करने की ट्राई, बट यहाँ पर जनरल ओबीसी को डाउन किया गया है, दे ही गेट इजीली रिवाइव्ड। यहाँ पर जेएसआर भी यहाँ पर आ चुकी हुई है थर्ड पार्टी करने। सो गाइस क्लाउन ओपी बैक साइड। सो यहाँ पर जेएसआर का काफ़ी सुंदर यहाँ पर जोन होल्ड करने का भी एक तरीका। सो यहाँ पर अभी फंसा देंगे यहाँ पर क्लाउन ओपी का काफ़ी सुंदर यहाँ पर टीपीपी एंगल। सो यहाँ पर अलर्ट तो हो चुके होंगे, यहाँ पर गलत फाइट एक प्लेयर के चक्कर में पूरी स्क्वाड का यहाँ पर फाइट मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ग्रेविटी आई थिंक प्रोन डाउन है, बट क्लाउन आई थिंक उनको स्पॉट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं। इट्स आरसीएम, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। यहाँ पर काफी सुंदर यहाँ पर स्प्रे आता हुआ जेएसआर गॉड का। यहाँ पर जेएसआर गॉड ने काफी ओपी एक वाला एक स्प्रे दिया, बट इट्स आरसीएम को नॉक नहीं दिया जा सका। इट्स यहाँ पर क्लाउन ओपी एक टीपीपी काफी सुंदर लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर गाड़ी फोड़ दी गई भाई गेमर की, 1 HP पे हेल्थ है। सो गाइस देखते हैं जनरल ओबीसी यहाँ पर हैं। सो यहाँ पर काफ़ी सुंदर पोजीशंस होल्ड करके बैठी हुई है टीम जेएसआर, जो कि मुझे काफ़ी सुंदर पोजीशंस लग रही है इनकी। सो विद टीम नंबर 14 एक जनरल ओबीसी ओपन से आए हैं, इनको नॉक दिया जा सकता है। सो यहाँ पर अभी नॉक नहीं दिया गया। सो आई थिंक यहाँ पर बच गए थोड़ा सा। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा, यहाँ पर कवर भी था इनको अपनी टीम मेट्स का, तो आई थिंक ये कवर इनको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इनको बढ़ सकता है। यहाँ पर गेमर को काफ़ी सुंदर यहाँ पर नॉक देखने को मिला किट्टू के द्वारा। तो यहाँ पर अभी देखते हैं क्लाउन ओपी यहाँ पर क्या कर पाते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी को आई थिंक स्प्रेस देने की ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर 70 HP पे उनकी हेल्प कर दी गई है, 70 HP पे जनरल ओबीसी भी हैं। सो आई थिंक
गाइस यहाँ पर इट्स आरसीएम के ऊपर यहाँ पर सारी गेम आती है, गेमर को रिवाइव मिल चुका हुआ है। जीएसआर की ये फाइट गलत जाती हुई विद टीम जनरल। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक फाइट जाती हुई, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फाइट लगती हुई। सो गाइस काफ़ी गलत, सो भाई क्या ही कर सकते हैं। सो यहाँ पर टीम नंबर 14 के प्लेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर किट्टू को बहुत ही सुंदर एक नॉक देखने को मिला जनरल ओबीसी के द्वारा। सो यहाँ पर कुनाल उनको अंदर जल जाके रिवाइव कर देंगे। अभी जोन भी आएगा यार गाइस, जोन भी आना शुरू हो गया हुआ है, जोन का प्रॉब्लम भी शुरू हो चुका हुआ है। सो जोन भी एक ग्रेट दुविधा बन के बैठ चुका हुआ है जीएसआर के लिए। सो यहाँ पर अभी कवर्स में है यहाँ पर टीम नंबर 14 के प्लेयर्स। सो यहाँ पर स्मोक्स करने की ट्राई, काफी सुंदर एक ट्राई, गेमर को यहाँ पर काफी सुंदर एक नॉक देखने को मिला। यहाँ पर नेड भी बहुत सुंदर किए जा रहे हैं। कुनाल इज डाउन, कुनाल को अभी रिवाइव मिलेगा। सो देखते हैं भाई ये क्या ही मैच चलता हुआ है। यहाँ पर इनकी बसड़ आई थिंक एफएमआर के साथ भी हो रही है। सो एफएमआर यहाँ पर गलत बसड़ करती है, यहाँ पर थर्ड पार्टी तो ले सकती है। सो यहाँ पर जीएसआर को एक एडवांटेज भी करा सकती है गाइस, ये एडवांटेज भी हो सकता है जीएसआर के साथ। सो आई थिंक यहाँ पर अभी स्प्रेज यहाँ पर थोड़ी सी बहुत हो रही है यहाँ पर क्लाउन ओपी की तरफ। आई थिंक क्लाउन ओपी ने यहाँ पर स्प्रेज देनी शुरू करती है टीम नंबर 16 के प्लेयर्स के ऊपर। बट एफएमआर का यहाँ पर गलत पुश आता हुआ, बट यहाँ पर जीएसआर किल्स निकालती हुई अपनी दूर से काफी अच्छी किल्स निकालती हुई। यहाँ पर प्रथम भी डाउन हो चुके हैं, गलत बसड़ बचती हुई। एडी का मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। सो यहाँ पर अभी एडी देखते हैं भाई, एफएमआर हनी को आई थिंक रिवाइव देंगे। सो यहाँ पर इनको आई थिंक इनके एक और प्लेयर को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया गया है। सो आई थिंक एडी को मुझे देखने को मिलेगा काफी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एडी ने यहाँ पर गॉडफादर को यहाँ पर डाउन कर दिया। अब दो प्लेयर का एक पुश आएगा एक बंदे के ऊपर, सो ये पुश काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर जैसे कि मैं कह रहा था दो बंदों ने पुश किया, सो दैट्स वाई उनको भी पूरा करो पूरा फिनिश कर दिया गया। सो जीएसआर पूरी की पूरी है अभी टीम के अंदर। सो यहाँ पर गेमर को काफी फिर से नॉक किया किट्टू के द्वारा। सो भाई ये गलत नॉक आता हुआ, सो आई थिंक क्लाउन को अभी हील करना चाहिए थोड़ा सा। सो यहाँ पर अभी टीम नंबर 16 का भी आई थिंक काफी सुंदर एक होल्ड, बट जोन जिसके तरफ बन गया आई थिंक गेम उसी के ऊपर है। सो गाइज अभी टीम्स तो भाई काफी सुंदर 11 बंदे बचे हुए हैं इतने छोटे से सर्कल में। सो गाइज 8 जोन इज गोइंग ऑन और 11 बंदे अभी के तक सर्कल में। गेमर आई थिंक रिवाइव हो चुके हुए हैं, यहाँ पर गलत फाइट जाती हुई यार। सो अभी यहाँ पर स्मोक्स की एक वॉल बनती हुई यार, काफी गलत वॉल। सो यहाँ पर इट्स आरसीएम थोड़े से ओपन में आए थे रिवाइव और नॉक हो सकते थे, बट यहाँ पर टीम नंबर 16 के ऊपर प्रॉब्लम्स खड़ी करती हुई यहाँ पर जीएसआर की टीम। सो यहाँ पर अभी काफी गलत ये फाइट चलती हुई, बट यार ये जोन बहुत छोटा है, ओपन में लेटे हुए हैं जीएसआर गॉड एंड किट्टू भी यहाँ पर प्रोन डाउन हो चुके हैं, बट कोई और कोई इनके पास सोल्यूशन नहीं है इस मूवमेंट के ऊपर। बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है टीम नंबर 16 भी सभी प्लेयर्स के द्वारा। अगर यहाँ पर स्मोक्स के अंदर यहाँ पर मोलोटॉफ कर दी जाए तो मजा आ जाएगा, जैसे कि मैं कह रहा था स्मोक्स के अंदर मोलोटॉफ्स हो चुके हुए हैं। सो भाई क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट इनको बाहर नहीं आने देगी जीएसआर जो कि मुझे हालात लग रहे हैं। बट टीम नंबर 16 का भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल सकता है। जीएसआर इजीली अब थर्ड पार्टी कर रही है, बट यहाँ पर जोन अभी क्या करता है जोन के ऊपर डिपेंडेंट है ये गाइस गेम। सो गाइस मुझे इतनी लग पा रहा है ये जोन किसका साथ दे रहा है। सो यहाँ पर जनरल ओबीसी के यहाँ पर अभी आगे आए हैं। सो हायर रुझेवा आई थिंक इनको डाउन करने की ट्राई में है। सो देखते हैं यहाँ पर फाइट हुई है जनरल ओबीसी के साथ। सो कवर पीछे से बहुत ही सुंदर कवर मिला है यहाँ पर, बट यहाँ पर थोड़ा सा ओपन में हुए आई थिंक इजीली नॉक हो जाएंगे। सो यहाँ पर टीम नंबर 15 के अभी 16 के दो प्लेयर्स रह चुके हैं, एचडीआर गॉडफादर और एनआओ। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगी इनकी फाइट। सो यहाँ पर ये फाइट काफी सुंदर चलती हुई विद टीम नंबर जीएसआर। सो यहाँ पर किट्टू यहाँ पर स्प्रेस देती हुई, बट यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर नॉक कर देते हैं तो भाई इस गलत नॉक हो सकता है, बट जोन फिर से कट चुका हुआ है गाइस। कुनाल यहाँ पर काफी सुंदर पोजीशन होल्ड कर ली हुई है, बट यार यहाँ पर जीएसआर के ऊपर प्रॉब्लम्स और बढ़ गई है। क्लाउन ओपी यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, किट्टू का यहाँ पर जोन में आना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ। सो यहाँ पर अभी देखने को मिलेगी ये बसड़ होती हुई यहाँ पर गॉडफादर, बट 1 HP पे है किट्टू। आई थिंक किट्टू प्रोन डाउन हो चुके हैं, किट्टू का यहाँ पर सर्वाइव अगर निकल गया तो भाई गलत है। सो यहाँ पर किट्टू ने यहाँ पर निकाल दिया है एक विनर, विनर चिकन डिनर यहाँ पर जीएसआर की तरफ से। ओपी के लिए जीएसआर गाइस यहाँ पर प्रोन होके काफी सुंदर गॉडफादर को यहाँ पर किल कर दिया, गलत भाई गलत। सो भाई ये मैच तो एक काफी गलत मैच था भाई, काफी गलत मैच। सो गाइज अभी ये देख ले सकते हैं आप सभी की सभी टीम्स की परफॉर्मेंस। सो यहाँ पर 17 भी काफी अच्छा खेलगी, सभी टीम्स काफी सही सही खेलगी। यहाँ पर डेविल की भी अभी अच्छा नहीं हो पाया। सो देखते हैं यहाँ पर सभी की सभी टीम्स के ऊपर। गाइज मैं किल फीट दिखा देता हूँ। सो ये थी आज की टॉप टीम्स ने भाई आज का ओपी गेम प्ले दिखाया मुझे। एफएमआर भी काफी सेक्सी खेली, यहाँ पर टीम नंबर 5 भी काफी सुंदर खेली, विज की टीम भी काफी सही खेल गई। सो ये फाइट्स भाई आज की हम स्ट्रीम को अभी एंड करेंगे। सो गाइस रात की स्ट्रीम होती है खत्म। सो अब चेंज कर दिया उन्होंने गाइस, अभी आज नहीं है कोई PMDL का। सो आज तो भाई इसको खत्म करते हैं हमारी स्ट्रीम को।
सो गाइस टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सो PMDL में अभी टाइम है, आई थिंक एक दो दिन की रेस्ट है, उसके बाद ही PMDL होगा। सो गाइस अभी हम एंड करते हैं हमारी स्ट्रीम को। सो टिल देन गुड बाय एंड